एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। हम फल कथन के सीरीज में बात कर रहे हैं कि मंगल ग्रह के बारे में आज बात करेंगे। इसके पहले हमने सूर्य, चंद्र, गुरु आदि ग्रहों के बारे में बताया कि उनके क्या लक्षण होते हैं, जो अगर वो अच्छी कुंडली में नहीं होते हैं। ऐसे ही आज मंगल ग्रह का हम परिचय देंगे कि उसका क्या प्रभाव लक्षण है भावों के अनुसार, तो उसके क्या सरल से उपाय हैं जो हम ज्यादा खर्च किए हुए भी कर सकते हैं और हम स्वयं कर सकते हैं। तो मंगल के जो प्रभाव है वो आपकी कुंडली में अगर वो अच्छे नहीं है, अच्छे नहीं होने का मतलब ये हुआ कि अगर वो निर्बल है, उसमें अंशों की बलाबल नहीं है, मंगल के अंदर मंगल नीच का है, तो मंगल की स्थिति अच्छी नहीं है, अच्छे भावों में नहीं बैठा है, तो और वो इस तरह के अगर मंगल उस कुंडली में, आपकी कुंडली जो भी लगने कुंडली हो, मंगल इस तरह के उस भाव से रिलेटेड अगर अच्छे फल नहीं दे, तो बहुत से सरल उपाय हम पहले मंगल के परिचय कर लेते हैं, उसके बाद में उनके हर भाव में क्या उसके निगेटिव प्रभाव हो सकते हैं, लक्षण हो सकते हैं। अगर वो लक्षण आपको मिल रहे हैं तो आप अपनी कुंडली एक बार जरूर अपने कुंडली का जरूर देख लीजिए कि मंगल आपके कहाँ बैठा हुआ और कैसे वो उस भाव से रिलेटेड अगर अच्छे फल नहीं दे रहा, तो बहुत से सरल उपाय हम जो आज बताएंगे वो आप कर सकते हैं। लगातार करने से होता है। हर एक ग्रह का पहले तो उसका मंत्रों के जाप हमेशा 108 बार प्रतिदिन करना चाहिए। हमने जो भी ग्रह बताए हैं तो हर एक ग्रह का जो मंत्र होता है उसको हमेशा 108 बार प्रतिदिन करना चाहिए। आज हम मंगल ग्रह की बात करें तो मंगल ग्रह सेनापति की इनको पदवी मिली है। शास्त्रों में मंगल को सेनापति कहा गया है। ये जो भाई जो है हमारा, उसका कारक होता है, छोटे भाई का कारक होता है, और हमारे रक्त संबंधित कोई प्रॉब्लम है उसका भी कारक होता है। और ये अगर ये का जो है, अगर ये अशुभ होता है तो हर भाव के हिसाब से हम बताएंगे कि किस तरह से वो आपको रक्त संबंधी समस्या, नेत्र रोग, उच्च रक्तचाप, क्रोधित होना, उत्तेजित होना, वात रोग, गठिया होना, ये सब जो है रोग होने की संभावना को देखता है, रक्त की कमी पैदा करता है, व्यक्ति क्रोधी स्वभाव का होता है, तो ये सब जो चीज़ें हैं वो इसके बारे में मंगल जिम्मेदार होता है। तो निर्बल, दूषित, नीच और अस्त मंगल आपके कुंडली में है, तो और मंगल में कमी मतलब उसमें अंश वाइज वो बलाबल नहीं है, तो ये मंगल जो भाव में बैठता है उस भाव संबंधी जो फल है उसमें हमें कमी लाता है, और उसमें भाव संबंधित जो भी फल है वो अच्छे नहीं प्राप्त होते हैं। तो इसके बाद में हम बताएंगे कि कौन से सरल उपाय है वो आपको करना चाहिए। सर्वप्रथम तो आप देख लीजिए कि मंगल का जो प्रभाव है वो जो व्यक्ति को पड़ेगा, हम आप भाव के हिसाब से बात करेंगे। अगर वो लग्न में अगर मंगल है तो लग्न से संबंधित जो भी फल है उसमें कमी करेगा, जैसे कि हमारे व्यक्तित्व में, हमें मान प्रतिष्ठा में, इसमें सब में वो प्रॉब्लम ला सकता है, हमारा अपमान हो सकता है, हमारा धनहानि हो सकता है, दुख हो सकता है, चिंता हो सकती है, मानसिक चिंता हो सकती है अशुभ होने पर। इस तरह से मंगल जमीन का कारक है तो जमीन से संबंधित भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस तरह से पहले भाव में मंगल का ये प्रभाव हो सकता है। अगर दूसरे भाव में हम बात करें तो दूसरे भाव में अशुभ होने पर, दूसरा भाव हम परिवार से रिलेटेड रहता है, तो परिवार संबंधित हमें कुछ न कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, परिवार में हमारा मतभेद हो सकता है, परिवार से हमें दूर जाना पड़ सकता है, परिवार में क्लेश हो सकता है, नेत्र रोग का भी नेत्र रोग हो सकता है, मुख संबंधी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस तरह तीसरे भाव में मंगल अगर खराब स्थिति में बैठा है तो यहाँ से संबंधित जो फल है उसमें कमी देगा, हमें पराक्रम में प्रॉब्लम आ सकती है, इसके बाद में हमारे छोटे भाई बहनों से रिलेशन खराब हो सकते हैं, और रिश्तेदारों से भी हमारे रिलेशन खराब हो सकते हैं, अग्नि चोरी का भी भय हो सकता है, झूठा कलंक लग सकता है, मानहानि हो सकती है। चौथे भाव जो है
वो हमारे माता पिता से संबंध रखता है, तो उसमें हमें माता पिता से अनबन हो सकती है, उनको कष्ट हो सकता है। इस तरह से संपत्ति की जो कारक है, मंगल जमीन का वाद, जमीन वाद विवाद में जा सकती है, संपत्ति में भी वाद विवाद होते हैं, उसकी हानि हो सकती है। इस तरह से रक्त विकार हो सकता है, ये सब चीजें हो सकती है। ऐसे पांचों भावों में संबंधित जो फल प्राप्त होंगे, तो पांचों भाव के जो अशुभ फल हो सकते हैं वो ये हो सकते हैं कि हमको ये मानसिक तनाव दे सकता है, पेट दर्द दे सकता है, बच्चों से मतभेद पैदा कर सकता है, हम कोई स्कैंडल में फंस सकते हैं, और इस तरह से हमको धोखा वगैरह होने की उम्मीद हो जाती है। इसके छठे भाव में अगर ये अच्छी स्थिति में नहीं है, जैसे यहाँ मंगल है, ये जब भी हमने बोला कि मंगल अगर निर्बल अवस्था में है, आस्त है या शत्रु राशि में बैठा है, और मंगल में बल नहीं है, 0 डिग्री है, 29 डिग्री में है, तो इस तरह से मंगल में यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें अगर यहाँ बल नहीं है, तो यहाँ छठे भाव संबंधित जो फल है वो आपको देगा। ये रोग ऋण शत्रु देता है, तो हमें छोटे रोग हो सकते हैं, और फिर भय प्राप्त हो सकता है, शत्रु से भय प्राप्त हो सकता है, हमारे कार्य क्षेत्र में हानि हो सकती है, व्यवसाय में हानि हो सकती है, ऋण में ऋण देने में हम समर्थ नहीं हो पाते होंगे, नौकरी में हमारी उन्नति नहीं हो सकती है, औन्नति हो सकती है। इस तरह से छठे भाव के जो खराब फल है वो आपको देखने को मिलेंगे। अगर सप्तम भाव में होगा तो मांगलिक दोष भी बनाता है, और सप्तम भाव हमारा जो है वैवाहिक जीवन का है, उसमें हम यह झगड़े मतभेद पैदा कराएगा, इस तरह के फल दे सकता है, तो वहाँ तनाव आदि हो सकती है, गुर्दे की बीमारी हो सकती है। इस तरह से यहाँ के कष्ट हमको सातवें भाव से रिलेटेड व्यापार में भी प्रॉब्लम हो सकता है। अष्टम भाव में अगर ये बैठता है और वह अच्छी स्थिति में नहीं है अपने, तो वो उसके अशुभ फल जो है वो देने की कार्य करेगा। हमारे जो कार्य हैं उसमें रुकावटें आएंगे, बनते कारण जो हमारे जो भी असाध्य रोग है वो मृत्युतुल कष्ट देंगे, हमको लंबी बीमारियां देंगे, इस तरह का हमें हो सकता है। अष्टम भाव से संबंधित जो फल है वो हमें यहाँ पे जो है नौकरी में उन्नति नहीं हो पाएगी, हमारे मान सम्मान में कमी आएगी, और धर्म में अरुचि हो सकती है, माता पिता को कष्ट होता है। दशम भाव जो हमारे कार्यक्षेत्र व्यवसाय का है, इससे संबंधित हमको प्रॉब्लम हो सकती है, हमें जो व्यवसाय से जो लाभ मिलना चाहिए उसमें कमी आएगी, सुख शांति में कम, मान सम्मान में कमी आएगी, जो भी हमारे नौकरी का छूटना भी हो सकता है, धन की हानि होगी। इस तरह से ये जो है दशम भाव से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है वो हो सकते हैं। इसके बाद में 11वां भाव जो लाभ में हमें कमी करेगा ये, और जो भी हमारे इस भाव में बैठ के मंगल जो है वो उस भाव संबंधी, इस भाव से संबंधित जो भी फल है उसमें कमी लाएगा। इसके कारण हमारा स्वास्थ्य को भी हानि होगी, धन की हानि होगी, असंतोष होगा, हमें मस्तिष्क में विकार पैदा होगा। 12वें भाव में अगर मंगल आएगा तो यहाँ पे हमें चिंताग्रस्त बनाएगा, तथा धन की हानि करेगा, हमारे अर्थ के भाग दौड़ में खर्चा होगा, बनते काम बिगड़ जाएंगे, और 12वें भाव कारण शरीर कष्ट भी होगा। तो इस तरह हमने देखा कि हर एक भाव में अगर मंगल इस तरह की स्थिति बना रहा है, तो हमें जो सरल से उपाय क्या करना चाहिए, क्योंकि ये छोटे भाई बहन का कारक है, तो हमें अपने छोटे भाई भाई का जो है उससे उसका हमें उससे हम अच्छे संबंध रखना चाहिए, जो भी हमारे से बन सके उसके लिए करना चाहिए। अगर ये छोटा उपाय है जरूर कीजिए। फिर हमको मालूम है कि मंगल ग्रह जो है हनुमान जी की आराधना करने से शांत होता है और हमें अच्छे प्रभाव देता है, तो हनुमान जी के मंत्र का ओम अमृतये नमः का पाठ 108 बार प्रतिदिन करना चाहिए, तथा मंगल के मंत्र के भी जाप करना चाहिए, 108 बार का प्रतिदिन करना चाहिए। वहाँ जब भी मंदिर जाए, हनुमान मंदिर, तो उनको चोला अर्पित करना चाहिए, हनुमान मंदिर में ध्वजा भी लोग लगाते हैं वो भी कर सकते हैं, बंदरों को चने खिलाना चाहिए। फिर जो पाठ करने की बात आई, तो जो अगर हमारे जो भी भाव से संबंधित है वहाँ फल में कमी आ रही है, अगर मंगल बैठा है तो आपको
ये जो उसने उपाय बताए हैं वो सबके लिए है और सब कोई कर सकता है। अगर मंगल अच्छे फल नहीं दे रहा है आपकी कुंडली में, जो भी भाव से संबंधित हो बैठा है, तो आपको जो भी अभी बताए हैं वो सरल उपाय जरूर कीजिए। हनुमान मंदिर जरूर जाइए और हनुमान चालीसा का पाठ भी कीजिए, प्रतिदिन कीजिए। इस तरह से सुंदरकांड का पाठ कीजिए, ओम अंगारकाय नमः का भी पाठ 108 बार प्रतिदिन कीजिए। तो इस तरह से मंगल के जो हमारे प्रभाव है वो उसमें कमी आएगी और हमारे मंगल से रिलेटेड जो भी हमारे प्रॉब्लम है उसमें कमी आएगी। तो आपको मंगलवार का जो व्रत भी आप कर सकते हैं, मंगलवार का व्रत करने से भी हमें वो मंगल ग्रह से जो भी निगेटिव फल है वो हमारे कम होंगे। तो हमारे मंगल पीड़ित होने के हमने बताया कि किस तरह से मंगल पीड़ित हो रहता है। तो अगर वो कुंडली में पीड़ित अवस्था में है, बला बल में कमी है, अस्त है, और साथ साथ में वो मंगल अस्त होने पे, मंगल आपका नीच होने से, मंगल में बलाबल कम होने से, तो मंगल के दुष्प्रभाव जो हमने बाहर भाव में बताए वो होने की उम्मीद रहते हैं। तो उनको कम करने के जो सरल अभी से हमने सरल उपाय बताए वो जरूर कीजिए। मंगलवार का व्रत करना चाहिए। ब्राह्मण या किसी गरीब को या हमारे यहाँ जो कार्यरत लोग हैं उनको भी अच्छे से सहायता करना चाहिए। इसके और थोड़ा ध्यान भी करने से भी प्रतिदिन अगर 10 से 15 मिनट ध्यान किया जाए तो हमारा जो भी मंगल पीड़ित होने से जो हमें क्रोध आता है तो ध्यान करने से क्रोध में कमी आएगी। हमारा जो नियंत्रण आपा हम खो बैठते हैं और जल्दबाजी करते हैं तो ध्यान करने से इन चीज़ों में कमी आएगी। तो अपने क्रोध पे कंट्रोल होगा, नियंत्रण होगा, आपा नहीं खो पाएंगे, जल्दबाजी नहीं कर पाएंगे, इसलिए जरूर 10 से 15 मिनट का ध्यान करना चाहिए। तो इस तरह से मंगल ग्रह के कितने सरल उपाय हमने बताए वो आप जरूर कीजिए। आप जो लाल पुष्प वगैरह वाले पौधे वृक्ष होते हैं उनकी भी देखभाल करने से भी ये अच्छा होता है। तो मंगल अगर से पीड़ित होने पर, अशुभ होने पर, वो नीच होने से, अस्त होने से, बलाबल कम होने से, जो भाव में बैठा उस भाव संबंधी जो फल उसमें कमी आती है, तो ये सरल से उपाय जो हमने आपको अभी बताया है वो जरूर कीजिए। और अगर आपको ये निरंतर करते रहना चाहिए जिससे कि मंगल के दुष्प्रभाव में कमी आ सके। तो ये आपको अगर अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन क्लिक कीजिए। जब भी हमारे वीडियो अपलोड होंगे तो आपको इमीडिएट इसकी इन्फॉर्मेशन प्राप्त होगी। और हमारे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो जरूर ये आप इसको शेयर कीजिए जिससे आपके परिचित लोगों को भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। और साथ साथ में आपको हमारे चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड को सब्सक्राइब करने के लिए तथा हमारे जो वीडियो को लाइक और शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको हमारे से परामर्श कंसल्टेशन भी आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।